हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक विथ IQ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप CSE के थ्रू अपनी सरकार पोर्टल से कैसे लॉगिन कर सकते हैं। अपनी सरकार पोर्टल में आप चार तरीकों से लॉगिन कर सकते हैं: व्यक्तिगत लॉगिन, CSE लॉगिन, EDC लॉगिन, विभाग लॉगिन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप CSE लॉगिन कैसे कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ से आप सर्च करेंगे ई सर्विस UK एंड फर्स्ट वाली वेबसाइट को आपको क्लिक कर लेना है। अभी आपके सामने उत्तराखंड सरकार पोर्टल का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। आपको अपनी सरकार पोर्टल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप CSE लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने CSE के थ्रू लॉगिन का पेज आ चुका है। अगर आपने CSE रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप CSE के साथ साइन इन करें यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक नए यूजर हैं तो आपको सिंपली CSE परमिट के लिए क्लिक करें पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने CSE पंजीकरण का एक फॉर्म ओपन हो जाता है। आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है एंड यहाँ से आपको सबमिट कर लेना है। फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको आपकी CSE ID डाल देनी है। उसके बाद आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम टाइप कर लेना है। यहाँ से आप लास्ट नेम टाइप करेंगे। आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी आप वही देंगे जो आपने CSE आईडी में दे रखी है। यहाँ से आप अपना फादर नेम डाल लेंगे। आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आप शहरी और ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप जिला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आपको नगर पालिका परिषद सेलेक्ट करना है। वार्ड संख्या यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप ब्लॉक चुन लेंगे, ग्राम पंचायत चुनेंगे और यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस फिलअप कर देना है। आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल देना है जो कि आपने CSE आईडी में डाल रखा है। उसके बाद यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर लेंगे। अभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। 1 या 2 दिन के अंदर आपका CSE परमिट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे आपकी आईडी और पासवर्ड यहाँ पे सेंड कर दी जाएगी जिसे आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी सरकार पोर्टल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको CSE लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ CSE के साथ साइन इन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप CSE के थ्रू अपनी सरकार पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। अभी आप यहाँ से कोई भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी सरकार पोर्टल में व्यक्तिगत लॉगिन कैसे करें इसकी वीडियो हमारे चैनल पे पहले ही अपलोड हो चुकी है। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको एक और न्यू वीडियो के साथ में।